अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टॉक इन्फो। आज एक ऐसे गोल्ड फार्म का विज़िट किया है जो मतलब बहुत 19th की सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, नाम है गुलाबी गोल्ड फार्म, बहुत ही फेमस गोल्ड फार्म है माशाल्लाह से, और बहुत ही यूनिक इनके पास चीज़ें मौजूद हैं, बहुत ही डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। तकरीबन सारी बकरियों की जो ब्रीड्स होती हैं बकरों की, वो इनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और आपको मैं वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव इसलिए कि इसके अंदर जो मेन मैंने रीज़न जो बताया है कि मतलब गोट्स के अंदर जो डिज़ीज़ आ जाती हैं उससे कैसे आप बाहर निकल सकें, मतलब उसकी कैसे रिकवरी हो सके। एक पूरा मतलब इनके पास मेड डॉक्टर्स का स्टाफ है, ठीक है, तो उनसे मैंने मशवरे लिए हैं और उन्होंने बाकायदा एक बकरे के ऊपर ट्रीटमेंट भी करके दिखाया है, तो वो ट्रीटमेंट ज़रूर देखना। वीडियो पूरी देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी और समझ में आएगी, इन्फॉर्मेटिव है वीडियो। ठीक है, गोट फार्मिंग के हवाले से ये बहुत मशहूर गोट फार्म मैंने निकाला है आप लोगों के लिए, गोट फार्म, ठीक है, गुलाबी गोट फार्म के नाम से। तो वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब वीडियो की तरफ चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इनके पास बकरियों का है, फीमेल बकरियाँ हैं और इनमें कुछ प्रेग्नेंट भी हैं, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से अलग प्रिंट के अंदर, और माशाल्लाह के कमेंट्स करते रहें क्योंकि बहुत ही यूनिक चीज़ें इनके पास खड़ी हुई हैं। बकरियों के आप प्रिंट देख लें पहले तो, माशाल्लाह से अलग प्रिंट के अंदर मौजूद हैं बकरियाँ और कुछ इनमें से प्रेग्नेंट भी हैं। ठीक है, तो इनके लॉट के अंदर भी जिनको अगर समझ में आए तो लॉट का भी सौदा है। ठीक है, सिंगल जिसको चाहिए तो सिंगल अलग बकरी भी आपको मिल जाएगी बड़ी आराम से। ठीक है, अब थोड़ी इनकी डिटेल वगैरह मैं ले लेता हूँ इनसे। जी जी, बताइए, अलग है हमारे पास राजनपुरी अलग बकरी है ये ना, माशाल्लाह से। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी की क्रॉस हुई हैं, कुछ जो हैं वो ज़ाहिर हो रही हैं लेकिन अलहमदिल्ला ये मेजॉरिटी क्रॉस हुई है, वो 3 महीने के बाद ज़ाहिर हो जाती हैं। ठीक है, ये कहलाती हैं, ये इनका सेक्शन है और इन्हीं के सामने आपको इसमें कुछ बरबरी नज़र आ रही होंगी क्योंकि बराबर वाला सेक्शन हमारी बरबरी बकरियों का है, बरबरियाँ और टेडियाँ। ठीक है, ठीक है, ये बरबरी बैठी हैं आपके सामने, वो बरबरी खड़ी हुई है। ये देख लें, ये जो बैठी हुई है ब्राउन एंड वाइट के अंदर, ये बरबरी है और वो एक खड़ी हुई है माशाल्लाह से, बहुत ही हेल्थ में माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं बकरियाँ, और ग्रोथ आप देख लें, और कलर सबसे अच्छे लगे मुझे बकरियों के क्योंकि इतनी खूबसूरत बकरियाँ देखने को बहुत कम मिलती हैं माशाल्लाह बेटा। और ये सामने मेरा बेटा, ये पूरा बरबरी का सेक्शन है। अच्छा जी, ये देख लें, ये पूरा बरबरी का इनका सेक्शन है, मैं थोड़ा और क्लोज आपको जाके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये भी पूरा बरबरी का बेटा, इसमें टेडे भी हैं। अच्छा, इसमें मिक्स हैं जी, इसमें टेडे हैं, टेडों का सेक्शन है, टेडे और बरबरियाँ बराबर बराबर ही हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ इसमें हमारे पास मेसू बकरियाँ मौजूद हैं, उनका ब्रीडर है, हर जो है बकरियाँ उनके डिफरेंट जो ब्रीड है उसके हिसाब से उनके। अच्छा, ब्रीडर्स भी आपने रखे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें ब्रीडर्स भी आपको दिखा देते हैं, थोड़ा बरबरी के पास चलते हैं। माशाल्लाह के कमेंट्स आप लोग करते रहें, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। अच्छा, जिनको भी परचेजिंग करनी है तो राशिद भाई का नंबर मैं दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बआसानी, और कांटेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अपनी आँख से आके चीज़ देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। अच्छा, ये पूरा पोर्शन बरबरी का जी बेटा, वो हमारा माशाल्लाह ब्रीडर बैठे हैं, वाइट वाला, वाइट, ठीक है, ये ब्रीडर है, वो ब्लैक माशाल्लाह। अच्छा, वो एक ब्लैक वाला ब्रीडर है जी, ये मेसू टापरे का ब्रीडर पीछे आप दिखाएंगे इस बकरी के। अच्छा, वो सिंगो वाला जी, वो सिंगो, ये टापरा कहलाता है, हिरन की तरह के जिनके सिंग होते हैं माशाल्लाह। ये देख लें, ये इनके पास ब्रीडर्स वगैरह भी मौजूद हैं। अच्छा जी, तो ये देख लें भाई, कंप्लीट शेड्स हैं इनके पास माशाल्लाह से, और बारिश से और धूप से बचने के लिए भी भाई इन्होंने कंप्लीट शेड्स बनाए हुए हैं, पिंजरे बनाए हुए हैं, और इनके पास पलाई सर्विस भी अवेलेबल है माशाल्लाह से ना, और गाय की भी इनके पास पलाई सर्विस अवेलेबल है। ये एक बछड़ी आई हुई है इनके पास पलने, तो आप देख सकते हैं इनसे, मैं अभी गाय की भी मतलब पूछ लूँगा बछड़ों की ना, पलाई सर्विस क्या है, बकरों की क्या है। तो ये देख लें भाई, ये कंप्लीट शेड्स बने हुए हैं इनके, और माशाल्लाह से के कमेंट्स आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, राशिद भाई की रिक्वेस्ट है कि भाई माशाल्लाह के कमेंट्स जिस चीज़ को भी देखो करो माशाल्लाह से। इनका एक गुलाबी का ब्रीडर है खड़ा हुआ है, ठीक है,
और यहाँ पे मिक्स हैं कामोरी, गुलाबी और आई थिंक मक्की चीना और राजन पूरी भी इसमें मिक्स हैं। अच्छा वो दूसरे पार्टीशन के अंदर है, ये देख लें, ये SHO है भाई माशाल्लाह से, ये SHO है इसका नाम। ये जहाँ जाता है अपनी मतलब सेटिंग बना लेता है। फुल एग्रेसिव है ये, फुल एग्रेसिव माशाल्लाह से। प्रेग्नेंट बकरियाँ भी इनके पास मौजूद हैं, ठीक है, फॉर सेल हैं बकरियाँ इनके पास, फॉर सेल हैं जितनी भी हैं प्रेग्नेंट बकरियाँ, ठीक है। आपको सारी डिटेल वगैरह बता के ये लोग देंगे, ठीक है। राशिद भाई से आप कांटेक्ट करिएगा और राशिद भाई का नंबर भी देख लें आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर है, और लोकेशन बहुत ही ईजी है, आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे गुलाबी गोट फॉर्म, एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी, वहाँ पर आ जाएँ आप, राशिद भाई मिलेंगे आपको। अच्छा ये कौन सी बकरी है? ये नाची बकरी है। अच्छा भाई इनके पास तकरीबन सारी ब्रीड आपके पास अवेलेबल है? हाँ जी, हमारे पास बीतल और नागरा नहीं है। बीतल और नागरा नहीं है, ठीक है। अच्छा इस पोर्शन के अंदर आपके पास कौन कौन सी बकरियाँ मौजूद हैं? इसमें हमारे पास गुलाबी भी है, राजनपुरी भी है, और पटेरी जिसे आप लोग कामोरी कहते हैं वो भी मौजूद है। अच्छा ये मैं एक ब्रीडर देख रहा हूँ गुलाबी का माशाल्लाह से, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए और ज़्यादा इसको सेहत याबी अता फरमाए। तो इसके आप हवाले से बताएं कितना टाइम हो गया इसको? बस 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए, तो इससे आपने कोई ब्रीड ली है? जी जी माशाल्लाह आ रही है ना इसके बाद, और माशाल्लाह हमारी इनसे ही आ रही है। एक और भी हमारे ब्रीडर थे वो सेल हो गए। अच्छा वो शेरू भाई थे। हमारा अपना एक बेटा रूल ये है कि हम एक ब्रीडर से एक ब्रीड लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका फिर चेंज कर देते हैं, दो ब्रीड लेके फिर हम चेंज कर देते हैं ब्रीडर, तो फिर उसके अपने ही ब्रीड आई हुई होती है, ठीक है, हम नया ब्रीडर लेते हैं। ठीक है हमारे वहाँ ये पलाई सेक्शन है। अच्छा पलाई सेक्शन कौन सा है? बताइए फुल पलाई सेक्शन, ये वाला सारा पलाई सेक्शन सब माशाल्लाह पलाई, ठीक है जी। इसलिए भाई ये तमाम पलाई पे आए हुए हैं। अच्छा अपनी आप बकरों की पलाई भी बता दें और जो आप बछड़ों की है वो भी बता दें अगर करते हैं। बेटा राइट नाउ जो बकरों की हम सब पलाई की चार्जेस है वो 4,500 है, इसमें उनकी हर चीज़ इंक्लूड है, मेडिकल से तमाम चीज़ें, ठीक है। आगे सर्दियाँ आ जाएंगी जिसमें उनको तेल देना, गुड़ देना, हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होगी। रमज़ान हमारे चार्जेस बढ़ेंगे, उनकी डाइट भी इसको अंदर बढ़ा देते हैं, चीज़ें बढ़ा देते हैं, डॉक्टर्स के पैनल बैठते हैं, डिस्कस करते हैं यानी क्या बेस्ट रहेगा, क्योंकि इनको हम डाइट में माशाल्लाह वो मैं आपको बाद में बताऊँगी मैं क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। अच्छा डाइट की आप आगे बताएंगे जी, ठीक है चलें और आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा मेडिकल के हवाले से भी अभी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा इंटरव्यू वगैरह लूँगा इनसे, ठीक है, और मेन जो डिजीज़ हैं इनकी वो मैं आपको बताऊँगा कि उनका सॉल्यूशन किस तरीके से है, कि मतलब उनका जो हल है वो क्या है, और कौन कौन सी उनको वैक्सीनेशन करानी चाहिए, किन किन मौक़ों पर, किन किन मौक़ों पर, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। माशाल्लाह से माशाल्लाह के कमेंट्स भाइयों करते रहो, ठीक है, और चीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना और विज़िट भी कर लेना, ठीक है। अच्छा जी गुलाबी गोट फॉर्म के ऊपर इनके अपने पर्सनल डॉक्टर्स हैं, वो आते हैं, दो टाइम पे आते हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एक सुबह की टाइम पर आते हैं और एक शाम की टाइम पर आते हैं, ठीक है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं शाम के टाइम पर डॉक्टर सौराब, ठीक है, तो ये स्पेशलिस्ट हैं, ये इनको वैक्सीन वगैरह लगा रहे हैं या जो भी लगा रहे हैं, मैं सारा सिनेरियो बताता हूँ आपको। अच्छा जी तो ये आप क्या लगा रहे हैं अभी? मैं इनका अभी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर सौरभ हूँ गुलाबी गोट फार्म से, इवनिंग में ड्यूटी टाइम देता हूँ यहाँ पर, तो हम एज एनिमल जो भी बीमार होते हैं यहाँ पर उनको एक तो सेपरेट क्वारंटीन हमने किया हुआ है वहाँ पर रखते हैं एनिमल्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका टेम्परेचर लेते हैं, उसके बाद जो डिजीज़ होती है हर डिजीज़ और एनिमल सेपरेट किए हुए हम अलग अलग क्वारंटीन किए हुए हैं, लाइक डायरिया वाले हैं या मोशन वाले हैं या वायरल बीमारी वाले हैं जो भी, उस हिसाब से हम फिर उनको ट्रीटमेंट देते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो बीमारियाँ पाई जाती हैं वो हैं इंटरटॉक्सिमिया हो गया,
या कोई पेट का इन्फेक्शन हो गया या डायरिया वगैरह आ जाता है, खाने की वजह से भी आ जाते हैं बहुत से बीमारियाँ। ताकि जो एक तो बारिश के पानी में जो घास होती है उस वजह से भी होते हैं यहाँ पे मोस्टली। वो जो एक कोई पेट में कीड़ा पैदा हो जाता है, लिवर इन्फेक्शन हो जाता है, मोस्टली उस वजह से ही होते हैं यहाँ पे एनिमल्स। ठीक है, तो अभी ये जो बकरा है आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको मतलब क्या डिजीज़ क्या है इसको मेन? हाँ, उसको भी यही पेट नीचे चला गया है। इसकी एक तो डिवॉर्मिंग होगी। अच्छा। और हाँ, ये देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल ख़त्म है और नीचे चला गया है। इसकी मेन चीज़ डिवॉर्मिंग होगी। इसने रिकवर किया है कुछ दिन में एंटीटॉक्सिना से, तो भी एंटीटॉक्सिना थी ETV जिसको हम बोलते हैं वो डिजीज, तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफ़ी रिकवर हो गया है। ये फिर इनको हम शिफ्ट कर देते हैं जहाँ जो जो भी क्वारंटीन वाले होते हैं, जहाँ जहाँ इनको पलाई वाले खाता अलग होता है या बकरी वाले अलग होते हैं, बच्चों वाले अलग होते हैं, तो वहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देते हैं जब रिकवर हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है। अच्छा, बकरियों के अंदर जो मेन डिजीज़ आती हैं वो कौन सी आती हैं डिजीज़? बकरियों के अंदर मोस्टली तो मुख्तलिफ किस्म की आती रहती हैं। मेन जो कही जाए, एक तो फूड पॉइजनिंग होता है, ताकि खाना भी कभी कभार डिफरेंट मिल जाता है, कोई एक बार के हेल्थ के लिए दे देते हैं या दाने में से भी हो जाता है किसी को। मेन चीज़ इनकी है डिवॉर्मिंग, अगर आप टाइम पे क्या करें और वैक्सीनेशन भी टाइम पे हो तो इनको इंशाल्लाह कभी कोई इफेक्ट नहीं आता। मोस्टली यहाँ पे जो आता है FMD का जो फुट एंड माउथ जो डिजीज़ है, पाँव की और मुँह खोर जिसको बोलते हैं, या मुँह में छाले पड़ जाते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, इस हिसाब से उसकी बारिशों से पहले ही उसकी हो, बारिशों से पहले ही उनकी वैक्सीनेशन हो। और एंटीटॉक्सिना भी इसी टाइम से आती है, साल में दो मरतबा उनकी भी वैक्सीनेशन होती है। अच्छा, तो जो एटमॉस्फेयर जो चेंज होता है मेन, उससे जो इनको डिजीज़ आती हैं वो क्या क्या फेस करना पड़ती है इनको और उनका हल क्या है? उनका हल सिर्फ वैक्सीनेशन है, क्योंकि एटमॉस्फेयर एज अ वायरल डिजीज़ कहलाई जाती है, तो उनका मोस्टली है ही वैक्सीन हल, जो ETV वैक्सीन हो गई, FMD की वैक्सीन हो गई, लिवर के लिए कोई और भी डिजीज़ हो गई उस हिसाब से। ठीक है, तो सर्दियाँ आ रही हैं जैसे अभी, तो अभी इनको कौन सी डिजीज़ आने वाली है? इनको अभी जो डिजीज़ आने वाली है वो नमोनिया का है मोस्टली, मोस्टली नमोनिया का है। इसमें लंग इन्फेक्शन हो जाता है या चेस्ट इन्फेक्शन जिसको बोला जाए, ज़्यादातर फ्लू भी बहता है, या ऐसे कह के फिफड़ी जिसका कहते हैं, तो फिर पानी भर जाता है लंग्स में। अच्छा, वही होती है। तो ये आती हैं, और गर्मियों में कौन सी आती हैं? गर्मियों में इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन ऐसा कह जाए कि हीटअप हो जाता है, हीट स्ट्रोक बोला जाए, या गर्मी पर ज़्यादा हो टेम्परेचर उस हिसाब से। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट वगैरह भी सही है, शेड्स वगैरह बनाए हुए हैं बिल्कुल के ऊपर। बाकी मोस्टली जो ऑल ओवर की बात की जाए तो हीटअप या हीट स्ट्रोक बोल जाए वो मेन डिजीज होती है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने देखा आपने उस बकरे को इंजेक्शन दिया, वो कौन सा इंजेक्शन था? वो एंटीबायोटिक था इंजेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन था इसको, तो उसी के लिए। अच्छा, उसी के लिए दिया। ठीक है। क्या भाई, ये इनका डॉक्टर का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है। ठीक है, इन्होंने तमाम डिजीज़ वगैरह की सारी वैक्सीनेशन वगैरह बता दी हैं, जो जो अभी आने वाली भी हैं। ठीक है, सर्दियों में अलग आती हैं और गर्मियों के अंदर इनकी अलग हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम अगर वैक्सीन हो जाए जानवर की तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ग्रोथ उसकी अच्छी रहेगी और डिफरेंट चीज़ों में वो बेहतरीन रहेगा। अच्छा जी, ये आप देख लें, ये एक ब्रीडर ये खड़ा हुआ, एक ब्रीडर ये खड़ा हुआ मक्खी चीना का। ठीक है, तो अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि इनकी जो माशाल्लाह ग्रोथ मैं देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ग्रोथ इन्होंने की हुई है, तो इनसे अब इनके जो वंडा होता है या दाना होता है बकरों का, वो पूछते हैं कि क्या खिलाते हैं इनको ना राशिद भाई, तो बताएंगे आप? बेटा, हम लोग इनको देते हैं, देखें जैसे जंतर हो गई, जंतर दी जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा दाने में हम इनको देते हैं चोकर, दलिया, कुल्ली इनकी स्पेशली मंगाई जाती है, तो उससे जो है इसको इनके अंदर शाइन आती है, उनको डाइजेशन में इजी हो जाता है। ठीक है, राशिद भाई जो हैं आपके, वो बेटा क्वांटिटी और या क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो इनके लिए बेस्ट होता है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी इनके लिए हमने अल्फ़ा अल्फ़ा मंगवाया है, अब हमने इनकी डाइट में अल्फ़ा यूज़ ऐड करा है। अल्फ़ा की जो है होती जी, है जी, अल्फ़ा की जो है होती है, वो अभी इनको देंगे। अब इनके खाने का टाइम है, ये देखिए, अब आप अगर दिखा सकें इनको, तभी इनको दाना मिल चुका है। इस ये है गुल्ली, ये खा चुके हैं, ये इसमें रिमेनिंग चीज़ें जो है बस वो रह गई हैं, ताकि इनको डाइजेशन में ईजी हो, हर चीज़ इनकी ऑर्गेनिक होती है।
थोड़ा चेंज, अगर ये नहीं पसंद जनता खा खा के जैसा वो हो जाते हैं, फिर इनको मकई दे देते हैं, लूसन आता है लूसन दे देते हैं, ठीक है उस तरीके से होता है। अच्छा, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं जी, ठीक है, तो इनकी डाइट के अंदर क्या चेंजेस आएंगी? डाइट में फिर इनको हम गुड़ देंगे, ठीक है, गुड़ देंगे, इनको तेल देंगे, वो सब चीज़ें इनके साथ एडअप हो जाएंगी, चीज़ें यही रहेंगी। ठीक है। अच्छा, अगर प्रोटीन है, क्या जो है वो हाई प्रोटीन है, बिल्कुल, तो वो क्योंकि अब बेटा अब जो सर्दियाँ आ रही हैं उसके अंदर ये जंतर वगैरह नहीं मिलेगी 3-4 महीने ना, उसके सब्सिट्यूट के तौर पर इनको फिर इनके लिए, और इनके लिए बेस्ट है इस वक्त हे जो है, बेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत से फार्मर्स को देखा है जो अल्फा की हे नहीं यूज़ करते, वो जंतर या लूसन पे ही चल रहे होते हैं, तो वो काइंडली अल्फा की हे भी यूज़ करके देखें, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मैंने बहुत से फार्मर्स को देखा है, उनके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग निकल के आए, तो आप भी काइंडली यूज़ करें। और जो लोग भाई शॉक करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो भाई शॉक करो अपना, ठीक है, मगर पूरी इन्फॉर्मेशन ले के करो कि अगर कोई डिज़ीज़ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आ जाए तो उससे किस तरीके से आप निकल सको, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके फिर आप मतलब काम स्टार्ट करो। वैक्सीन जो है वो कंपलसरी, वैक्सीन ज़रूर करवाइए। बहुत सारे बेटा लोग होते हैं वो कह रहे हैं जी वैक्सीनेटेड है, वो होते नहीं हैं, वो ऐसे ही बोल देते हैं। हमारे तो डॉक्टर एक सुबह विजिट करते हैं, अभी आपने इनसे डॉक्टर सर आपसे भी मुलाकात हुई आपकी, बिल्कुल बिल्कुल, शाम में विजिट करते हैं, तो ये सर्जन भी हैं, अगर हम फिर देखते हैं, फिर हमारा पूरा पैनल बैठता है राखी के साथ, फिर डिस्कस करता है इनके लिए क्या चीज़ अच्छी आ रही है क्या चीज़ नहीं आ रही है, उस हिसाब से फिर इनका जो है ना वो डाइट चार्ट भी इतना तैयार हो जाता है हर चीज़ के लिए, मतलब प्रॉपर इनकी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, ठीक है, सही। तो आपके पास जो मैं देख रहा हूँ अभी तो तकरीबन बकरियाँ हैं, ठीक है, माशाल्लाह से, और बहुत बल्क ऑफ क्वांटिटी में इनके पास बकरियाँ अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए, जी माशाल्लाह फॉर सेल, ठीक है, और प्राइस रेंज भी इनकी अच्छी है, और माशाल्लाह से बहुत ही यूनिक बकरियाँ हैं, ठीक है, अबलक के अंदर भी बहुत खूबसूरत प्रिंट में बकरियाँ मौजूद हैं, कुछ डायमंड आइस के अंदर भी हैं भाई, ये देख लें, ये इनका ब्रीडर आ जाएगा माशाल्लाह से। अच्छा, इनके पास कामोरी का अलग पार्टीशन है, ठीक है, गुलाबी का अलग है, टापरों का अलग है, बर्बरी का अलग है, राजनपुरियों का अलग है, ठीक है, सबके अलग अलग इन्होंने प्रॉपर शेड्स बनाए हुए हैं कंप्लीट, और आप लोग खुद भी विज़िट कर सकते हैं, अगर किसी को अच्छी पलाई करवानी है तो वो भाई यहाँ पे आके विज़िट कर ले और देख ले पहले इनका सिनेरियो तक सारी चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा, मेरा एक और सवाल ये है कि आपसे, आप जो है वो अपनी फार्म की ब्रीड्स को खुद एज अ सीज़न में सेल करते हैं या आप लेके आते हैं? नहीं जी, हम माशाल्लाह जो हमारे अपनी ब्रीड होती है तो हमें उनकी ब्लड लाइन का पता होता है, तो हम माशाल्लाह अपने ही जो हमारे बच्चे होते हैं उनको फिर इंशाल्लाह तैयार करके तो कुर्बान के टाइम पर उनको सेल करते हैं। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं मेन हे के, ठीक है भाइयों, ये देख रहे हैं, ये होती है हे अल्फा की हे, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं इनकी ग्रोथ के अंदर, हेल्थ ग्रोथ में, ठीक है, इनके दाने के अंदर अगर आप ये ऐड करते हैं बकरों के तो और अच्छी ग्रोथ ये मतलब कर सकते हैं, ठीक है, ये तीनों खोरों पे डल गई हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के थ्रू दे दी होगी गोट फार्मिंग के हिसाब से, ठीक है, और मैंने आपको तकरीबन तमाम चीज़ें दिखा दी हैं, जैसे देख सकते हैं माशाल्लाह से भाई ये छोटे छोटे बेबीज़, ठीक है, अल्फा की हे होती है ये, ठीक है, सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, और विज़िट कर लें आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये सारे इनके मैं एक कंप्लीट शेड्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब बारिश से भी ऐसा है कि यहाँ पे इतना इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होता, ठीक है, शेड्स इनके बने हुए प्रॉपर, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है, पिंजरे बने हुए, ठीक है, वैक्सीनेशन इनकी प्रॉपर हुई भी है पूरी कंप्लीट तरीके से,
और इनका मेडिकल स्टाफ दो टाइम पे आता है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग के अंदर। तो अगर जिसको भी अपनी बकरी या बकरा भी पलवाना है तो वो भाई इनके पास आ जाए, इनसे कांटेक्ट करे। और मुझे तो बहुत ही पसंद आया इनका, ठीक है, सेटअप भी, क्योंकि आज़ाद घूम रहे हैं, कोई रस्सी से नहीं बंधे हुए, ठीक है, कंप्लीट ये फ्री हैं, ठीक है। जिस तरीके के आप इनके शेड्स देख रहे हैं, एक बकरे के लिए या बकरी के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है इनके पास। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, विज़िट करो शौकीनों, अगर इस चीज़ का शौक करते हो, ठीक है भाई। बछड़ी भी है इनके पास माशाल्लाह से, आगे देखना यार। और लॉन्ग टेल शीप्स भी इनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, ये आप देख लो, जिनको चाहिए वो कांटेक्ट कर लो, नंबर मैंने दे दिया है, ठीक है। और माशाल्लाह से भाई बहुत ही अच्छा इनका मुझे सेटअप लगा, ठीक है। अब मुझे दो इजाज़त, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ख़ुद से लाइक कर देना, ठीक है, बताने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे तो यहाँ पे इजाज़त, और माशाल्लाह के कमेंट्स करना मत भूलना, ठीक है। राशिद भाई की अच्छा तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उनके लिए दुआ भी करना भाइयों, रिक्वेस्ट है आपसे। तो यहीं पे दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।